आज मैं ये बनाने जा रही हूँ मैदे की मट्ठी। मैदे की मट्ठी के लिए मैदा ले लिया मैंने आधा किलो। इसमें मोहन के लिए घी और अजवाइन और नमक, दूसरा वाला था जैसे पिंक सॉल्ट थोड़ा दाने वाला होता है तो उसको मैंने पानी में घोल लिया। ये हो जाएगा, इसको भी मैं हाथ से मसल के डालूंगी, ठीक है ना। अजवाइन और घी डाल दिया और इसको मलूंगी, थोड़ा सा ऐसे करके फिर इसको अच्छे से हाथ से सा और डालूंगी ताकि अच्छी और करारी और खस्ता बने मट्ठियाँ छोटी छोटी ना। आधा और लिया था मैंने, एक और आधा। अभी परफेक्ट हो गया, बस इसमें मैं इस नमक के पानी से आटा मारूंगी टाइट टाइट सा। अच्छा सा बन गया, इसमें जब आटा मारूंगी अभी ये कुछ भी नहीं डालूंगी, जैसे होता ना जरा चटकी पर सोडा डाल लूँ या कुछ है, नहीं। जब ये घर का बना रही हूँ तो एकदम बिना उसके खस्ता हो ताकि खा सकें और वो ना हो। परफेक्ट हो गया ये बिल्कुल मट्ठे के लिए तैयार है। हम इसको आटा मार, मारने में भी कैसी ना ये परत सी निकल रही है, ऐसी होनी चाहिए। तो इसको टाइट टाइट ही रखना है। आधा ये मैंने आधा किलो में इसका ये डेढ़ डाला है ताकि काफ़ी खस्ता सी बनेगी घी गर्म करके।
इसको इस नमक के पानी से मार रही हूँ। सारे में डालना थोड़ा थोड़ा ऐसे करके बूंद बूंद करके। टाइट सा बढ़ेगा ये। इसमें मैंने 2 चम्मच नमक को घोला था, नमक अजवाइन की मट्ठी डेली चाय के लिए। इसको ज़्यादा क्लीन नहीं करूँगी, ऐसे ही रखूँगी। थोड़ी देर के लिए एक टूट के देखिए।